हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त एके अधिकारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रू फाइंड। गाइस, मेक इन इंडिया के तहत मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंडियन प्रोडक्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन है। गाइस, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले समय में हर घर में इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए, इसलिए मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता हूं। और इस लक्ष्य में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके और लाइक करके। तो चलिए, आज मैं जो आपको प्रोडक्ट लेके आया हूं ये है आईकॉल कंपनी का, और मैं इसकी खूबियों के बारे में और इसके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छी क्वालिटी का फोन है, अच्छी कंपनी है, अभी नया नया ग्रोथ कर रहा है, इंडियन कंपनी है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। इसी तरीके की इंडियन प्रोडक्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये है आपका आईकॉल कंपनी का आईकॉल K525 जो कि ब्लू कलर में है, और इसके अंदर आपको कंपनी 64GB मेमोरी के साथ 4GB रैम के साथ प्रोवाइड कर रही है। काफी अच्छी क्वालिटी का फोन कह सकते हैं आप। और स्टार्टिंग अभी ये लॉन्च किया है कंपनी ने, इस फोन को अभी बहुत ही जल्द लॉन्च किया है। काफी अच्छी क्वालिटी का फोन है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जो कि इसका डिस्प्ले का साइज है वो है आपका 15.9 सेंटीमीटर, यानी कि 6.26 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। और इसका जो डिस्प्ले रेजुलेशन है वो है आपका 1014x480 पिक्सल्स। और देखा जाए इसका जो प्रोसेसर फीचर्स है, ओएस जो है इसका वो है आपका एंड्रॉइड Q10 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ 1.6 गीगाहर्ट्ज़। काफी अच्छी क्वालिटी का फोन है। अगर इस रेंज में अगर आपका रेंज कम है आपका बजट, तो ये फोन के साथ आप जा सकते हैं। और इसके मेमोरी फीचर्स के बारे में मैं बताऊं तो जो कि है आपका 64GB मेमोरी के साथ 4GB रैम के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। काफी अच्छी क्वालिटी का फोन है। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक डेडिकेटेड स्लॉट है जिसके अंदर आप 8GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। काफी लेटेस्ट मॉडल है, काफी अच्छी क्वालिटी का फोन है। इसके कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें जो कि है आपका इसका प्राइमरी कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जिसका सेकेंडरी कैमरा है वो है आपका 5 मेगापिक्सल। और काफी अच्छी क्वालिटी का देखा जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये 4G फोन है, 4G प्लस 4G डुअल सिम का फोन है, 4G एंड 4G प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। काफी अच्छी क्वालिटी का फोन है। तो गाइज, इसके बैटरी के बारे में जो कि मेन पॉइंट है इसका, उसके बारे में बात करें जो कि है आपका 4000mAh की बैटरी है आपकी, और 4000mAh की ये बैटरी आपके कम से कम 1 से 2 दिन कम से कम निकाल देगी। काफी अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल नया मॉडल है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये फोन है, आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो रेंज है ये आपको मिल जाएगा 7 से 7.5 या 8 हजार के बीच में, यानी कि 8 हजार के रेंज में आपको ये फोन मिल जाएगा। और चलिए जानते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहली बात, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इसका जो पिक्सल साइज है यानी कि 1014x480 पिक्सल, ये बहुत ही कम है इस रेंज के हिसाब से। बहुत ही बेकार इसका डिस्प्ले, मैं बोल सकता हूँ इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपका रेंज कम है और अगर आपको नॉर्मल काम के लिए चाहिए ये फोन, स्टाइलिश फोन चाहिए, तो ये फोन आप ले सकते हैं, काफी अच्छा है। और इसके अंदर जो दूसरी कमी है वो है इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 300 ग्राम के करीब इसका वेट है। इतना हैवी वेट नहीं होना चाहिए फोन का कायदे से। मेरा जो मानना है वो ये है कि ये शायद इसका 4000mAh की बैटरी है, इस वजह से थोड़ा सा भारी हो गया है, बट ये मुझे इसके अंदर थोड़ी सी कमी लगी। तीसरी जो इसके कमी है वो है इसका जो प्रोसेसर टाइप है, जो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ जो है इस रेंज के हिसाब से ये थोड़ा सा कम है। आज के टाइम में 2+ प्रोसेसर के ऊपर जो गीगाहर्ट्ज़ है उनके ऊपर काम हो रहा है दूसरे फोनों में, तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये क्वालिटी भी कम लगी। बाकी इतने रेंज में, 7500 के रेंज में ये फोन आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का देखा जाए, आपका अगर रेंज कम है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही ठीक ठाक है, इंडियन कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट है। तो 7500 इसका रेंज है, 7500-8000 क्योंकि ये नया लॉन्च किया है तो इतना ही थोड़ा सा रेंज है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और इसके बारे में और भी जान सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंडियन प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।